राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी में बवंडर आ गया है। राहुल गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने पर अड़ गए हैं, तो वहीं उनको मनाने के लिए पार्टी नेता एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मंगलवार सुबह भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नेता रणदीप सुरजेवाला उनसे मिलने पहुंचे। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी से कहा गया है कि अभी पार्टी को नए विकल्प नहीं मिल रहे हैं। राहुल को कहा गया है कि आप पार्टी में जो मर्जी बदलाव करें, जैसे चाहे पार्टी चलाएं, जिसके बाद अब राहुल नरमी के संकेत दे सकते हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि कार्यप्रणाली में कुछ शर्तों के साथ राहुल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल प्रियंका गांधी की कई दौर की मीटिंग के बाद इस बात पर सहमति बनी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में नतीजों के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल ने इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी ने उसे नकार दिया था। हालांकि उसके बाद राहुल अपने फैसले पर अड़े रहे और पार्टी नेताओं को खरी खरी सुनाई। लोकसभा चुनाव में मात्र 52 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। कई प्रदेश अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं, तो वहीं राहुल अपनी बात पर अड़े हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अभी तक अपने नव निर्वाचित सांसदों से भी मुलाकात नहीं की है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।